इतने में जो शख्स हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कताबत का काम अंजाम देता था वो अंदर आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अमीर इस वक्त दो कासिद आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं, एक खुरासान से कतैबा बिन मुस्लिम का भेजा हुआ है, दूसरा मकरान से आया है, आप जिसे कहें उसे मैं पहले भेजता हूँ। कासिदों की आमद से हज्जाज के चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कुराहट नमोदार हुई थी, फिर अपने उसी चौबदार को मुखातिब करके कहने लगा, पहले उस कासिद को भेजो जो खुरासान की तरफ से आया है, बाद में मकरान से आने वाले कासिद से बात करूंगा। चौबदार बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर आया, बुलंद आवाज में उसने सबको सलाम किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसके सलाम का जवाब दिया, फिर उसे मुखातिब किया, क्या तुम खुरासान से कतैबा बिन मुस्लिम की तरफ से आए हो? आने वाले कासिद ने धीमे लहजे में कहा, ए अमीर आपका कहना दुरुस्त है। हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर उसे मुखातिब किया, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है या बुरी? कासिद के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, वो फिर कहने लगा, मैं आपकी खिदमत में तकरीबन अच्छी खबरें लेकर आया हूँ। जानिए खुरासान पहुँचने के बाद जो कुछ कतैबा बिन मुस्लिम ने किया है उसकी इतला देने के लिए उसने मुझे आपकी तरफ रवाना किया है। हज्जाज बिन यूसुफ थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, कहो खुरासान पहुँचने के बाद कतैबा बिन मुस्लिम कहाँ तक आगे बढ़ा है? इस पर कासिद बोल पड़ा, अमीर मोहतरम खुरासान के शहर मरू पहुँच कर कतैबा बिन मुस्लिम ने जिस कदर जवान लश्कर में शामिल थे उन्हें एक जगह जमा किया, उन्हें मुखातिब करते हुए एक बेहतरीन खुतबा दिया। उसने लोगों को मुखातिब करके कहा कि लोगों, अल्लाह ही वो मुकद्दस जात है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्मे हिदायत और सच्चा दीन देकर उन्हें मबऊस फरमाया है ताकि इसे तमाम अदियान पर गलबा हासिल हो जाए, चाहे मुशरिक इसे पसंद ही क्यों ना करे। इसलिए खुदावंद कुद्दूस ने मुजाहिदीन के लिए बड़ा सवाब और अपने पास बड़े बड़े मरातब और अजर देने का वादा फरमाया है। कतैबा बिन मुस्लिम ने अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि खुदावंद कुद्दूस ने कुफार से जिहाद करने को तुम्हारे लिए हलाल किया है ताकि उसके दीन का गलबा हो और तुम बुराइयों से बचो। ये भी कहा कि हम खुदावंद कुद्दूस के साथ वादा करेंगे कि अपने आप को इंतहाई मुसीबत और तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रखेंगे और किसी भी काहली और ढीलेपन से काम नहीं लेंगे। कतैबा बिन मुस्लिम की इस तकरीर का लश्करियों ने खातिर खा जवाब दिया और उसकी कमानदारी में बेहतरीन जोशो जज्बे का इजहार किया। इसके बाद कतैबा बिन मुस्लिम ने लश्कर के साजो सामान, हथियारों और घोड़ों का मुआयना करने के बाद जिहाद के लिए कूच किया। उसने मरु शहर में दो अशखास को अपना कायम मकाम बनाया, लश्कर का सरदार अपने बाद अयास बिन अब्दुल्ला को रखा, जबकि इंतजामिया के काम पर एक शख्स उस्मान को मुकर्रर किया। लश्कर को लेकर वो तालिकान पहुंचा, यहाँ बल्ख के कुछ लोग उसके साथ हो गए। दरए आमू को अबूर किया तो गैर मुस्लिम तुर्कों के हुक्मरान ने कतैबा बिन मुस्लिम की खिदमत में हाजिर होकर तोहफे तहाइफ पेश किए, अपने शहर की सोने की कुंजी पेश की, उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया और कतैबा बिन मुस्लिम की इताअत को कबूल किया। कतैबा बिन मुस्लिम ने पेशकदमी जारी रखी, यके बाद दीगरे आखरून और शोमान के हुक्मरान उसकी खिदमत में हाजिर हुए और अपनी इताअत का इजहार किया। ये काम सरंजाम देने के बाद खुद तो कतैबा बिन मुस्लिम खुरासान के मरकजी शहर मरू में आ गया और अपने बाद अपने भाई सौले को लश्कर की कमानदारी सौंपी। उसकी गैर मौजूदगी में साले ने काशान दरश्त और पलाज फराना वगैरह को फतह किया। इस जंग में एक शख्स नसर बिन सयार ने बेहतरीन बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया, जिसके सिले में सौले ने उसे एक गांव जागीर के तौर पर अता किया। ये फतुहात हासिल करने के बाद कतैबा बिन मुस्लिम का भाई भी कतैबा के पास मरू चला आया और कतैबा ने उसे मरू का अमीर मुकर्रर किया। कतैबा बिन मुस्लिम फिर निकला, बुखारा पर फौज कशी की, इर्द गिर्द के गैर मुस्लिम तुर्कों ने जमा होकर कतैबा का मुकाबला किया, लेकिन कतैबा बिन मुस्लिम ने उन सबको रगेद कर रख दिया और इस जंग में कतैबा बिन मुस्लिम के हाथ बहुत सा माल गनीमत लगा। अब ये अफवाहें उड़ रही हैं कि कतैबा बिन मुस्लिम की इन फतुहात को चीन के बादशाह ने नापसंद किया है, लिहाजा चीन के बादशाह ने अपने भांजे को हुक्म दिया है कि वो कतैबा बिन मुस्लिम की राह रोके। ये भी सुनाया गया है कि चीन के बादशाह का भांजा चाहता है कि एक बहुत बड़े लश्कर के साथ कतैबा की राह रोके। हमारे मुखबिरों ने यह भी इत्तला दी है कि चीन के बादशाह का भांजा ये इरादा रखता है कि वो कम से कम 2 लाख का लश्कर लेकर कतैबा का सामना करेगा और कतैबा को पसपा करने की कोशिश करेगा। अमीर मोहतरम, अब तक की खुरासान की यही खबरें हैं। ये सारी बातें सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ खुश हुआ और कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, जो खबरें तुमने दी हैं ये मेरी दिलजमई और खुशी का बायस है। तुम 2 दिन यहाँ रुक कर आराम करो, फिर वापस जाओ और कतैबा बिन मुस्लिम को मेरा ये पैगाम देना कि अगर कभी भी वो कुफार के खिलाफ अपने लश्कर के साथ पेशकदमी करे तो अपने लश्कर के आगे रहे
और जब किसी मुहिम को सर करने के बाद कामयाबी के साथ पलटे तो उस वक्त लश्कर के पिछले हिस्से में अपने मुहाफिज दस्तों के साथ रहा करें। बस उसके नाम मेरा यही पैगाम है। इसके साथ ही खुरासान से आने वाला वो कासिद बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद चौबदार ने मकरान से आने वाले कासिद को पेश किया। मकरान के कासिद ने सबसे पहले हज्जाज बिन यूसुफ को मजा बिन सार तमीमी की मौत की इत्तला दी। इसके बाद मकरान पहुंचकर खरीम बिन उमर ने जो कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए थे उन सब से मुतालिक हज्जाज बिन यूसुफ को तफसील से बताया था। इब्ने सार की मौत का सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ अफसरदा हो गया था। थोड़ी देर तक उसकी गर्दन झुकी रही, गहरी सोचों में खोया रहा लगता था। उसे इब्ने सार की मौत का बेहद सदमा हुआ था। कुछ देर तक वो कुछ न बोल सका, फिर संभला और अपने सामने बैठे मोहम्मद बिन हारून नमरी को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने हारून, मैंने तुम्हारे मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब जबकि मकरान का वाली मजा बिन सार तमीमी फौत हो चुका है तो इस वक्त मकरान को वाली की अशद जरूरत है, जो फिलफौर मकरान रवाना हो और वहाँ तेजी से तब्दील होने वाले हालात पर नजर रख सके। इब्ने हारून, मैं तुम्हें ही मकरान का वाली मुकर्रर करता हूँ, क्या तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज या इनकार है? मैं तुम्हें इसलिए वहाँ का वाली मुकर्रर करता हूँ कि मकरान के इन लश्करियों का सालारे आला खरीम बिन उमर तुम्हारी बस्ती का ही रहने वाला है। तुम दोनों मिलकर मकरान में अपनी बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहरा करोगे। और मुझे ये भी खबरें पहुंच चुकी हैं कि बिनाना बिन हंजला जो वहाँ नायब सालार है वो पहले से खरीम बिन उमर का जानने वाला है। दोनों एक साथ बसरा के मकतब में पढ़ते रहे। इस तरह तुम तीनों यकजा होकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे। कहो तुम क्या कहते हो? इसके बाद मैं तुम्हें खरीम बिन उमर के मुतालिक कुछ बताना पसंद करूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ के खामोश होने पर मोहम्मद बिन हारून नमरी कुछ देर तक सोचता रहा, मुस्कुराता रहा और हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ देखता रहा। फिर खुशकुन अंदाज में कहने लगा, अमीर मोहतरम, मैं हारून नमरी इस काबिल कहाँ कि आपकी हुक्मदूली करूँ। मैं मकरान के वाली की हैसियत से जाने के लिए तैयार हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। खुशी से उसने पुरजोश मुसाफा मोहम्मद बिन हारून नमरी से किया, फिर दोबारा अपनी जगह पर बैठा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मकरान जाकर खुसूसियत के साथ खरीम बिन उमर की हर ख्वाहिश और उसकी हर मांग का ख्याल रखना। याद रखना, ऐसे नौजवान रोज रोज पैदा नहीं होते। पहली बार एक मुल्ज़िम की हैसियत से जब सलमान की मौजूदगी में वो मेरे पास आया था तो मैंने देखा था। सुलेमान की आंखों में उसके लिए नीम हकारत थी, लेकिन उसे देखते हुए मेरे दिल में उसके लिए आप से आप नीम सी शफकत पैदा हुई थी। उस पहली मुलाकात में भी मैंने खरीम बिन उमर के चेहरे के खतूत में ऐसे जज्बे देखे थे जैसे जर्द जरी के ताज सी जानिसारी के ऊपर शजात के याकूत जड़ दिए गए हों। उसकी आंखों के अंदर मैंने उस रोज भी जज्बो विजदान की पुकार को देखा था और उसके चेहरे से मैंने यूं महसूस किया था जैसे चीखते सहरा के अंदर उकूबत के बगुले उठ खड़े हुए हों। वो कशीदा कामत है, खुशंदाम है, जानिसार और वफादार है। ऐसे जवान ढूंढे से भी नहीं मिलते। याद रखना, जंग और रज़्मगाह की भट्टी के अंदर हर कोई सरफराज होकर नहीं निकलता। वो नौजवान जो दमिश्क के रेशम के शलोके पहनकर रज़्मगाहों का रुख करते हैं वो कोई नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते। ये भी याद रखना कि सिपाही जब जीन से उतरकर कालीन पर बैठने लगे तो काम का नहीं रहता। वो क्योंकि एक गदड़िया था, कोहिस्तानों के अंदर अपने रेवड़ को चराने वाला था, लिहाजा मुझे अच्छा और भला लगा। उसकी चमकती आंखों में बल खाती खशमनाक फितरत से मैंने जो फैसला किया था वो उस पर पूरा उतरा। उसके चेहरे के आसारो अफकार में जो मैंने हुस्ने अमल देखते हुए उसे मकरान में लश्करियों का सालारे आला बनाया तो कसम खुदाबंदे कुद्दूस की वो मेरी ख्वाहिशों से भी कहीं आगे जाकर उतरा। उसकी कारकर्दगी से मैंने अंदाजा लगा लिया है कि बुनियादी तौर पर वो एक चरवाहा है, मगर बसरा के हरबी मकतब का तरबियत याफ्ता है। उसने अपनी कारगुजारी से साबित कर दिया है कि जंग की भट्टी में वो बरको शोले की लपक और रज़्मगाह के बादो बुआरा में तूफानी यलगार का शबाब बनने का भी हुनर और फन खूब जानता है। मकरान के वाली की हैसियत से मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ कि वहाँ खरीम बिन उमर के सायका बरदार जज्बों और उसकी कौंती तलवार उसके आहनी तूफान जज्बों से सही और खूब काम लेना। मोहम्मद बिन हारून नमरी, खरीम बिन उमर जैसे जवान अपनी कारकर्दगी अपनी जाननिसारी की वजह से वक्त के अमल में ख्वाबों के संसार की तरह हसीन और शौक के सिलसिलों में मकासद और मंजिल की गर्द की तरह पुरफिशा होकर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां पहुंचकर तुम उसका खूब ख्याल रखोगे, क्योंकि मैं उसे अपना बेटा कह चुका हूं।
हज्जाज बिन यूसुफ के इन अल्फाज पर हारून नमरी थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, अमीरे मोहतरम, आप किसी फिक्रमंदी और परेशानी का इजहार न करें। खरीम बिन उमर मुझे भी बेहद अजीज है, मेरी बस्ती का रहने वाला है। पहले भी मैं उसे अपने बेटों जैसा समझता हूँ। उसके सिलसिले में मेरे खुदावंद ने चाहा तो आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बताओ तुम कब तक यहाँ से कूच करना पसंद करोगे? हज्जाज बिन यूसुफ ने खुश तबई से मोहम्मद बिन हारून की तरफ देखते हुए पूछ लिया। अमीरे मोहतरम, मैं एक दो रोज तक यहाँ से कूच कर जाऊंगा, पर अकेले जाऊंगा, अपने अहले खाना को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। जब हालात खूब हमारे हक में हो जाएंगे तो फिर कोशिश करूंगा अपने अहले खाना को भी वहां बुला लूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन हारून नमरी के इस फैसले से इत्तफाक किया। फिर मोहम्मद बिन हारून नमरी वहां से उठकर चला गया। दो रोज बाद वो अपनी बस्ती से मकरान की तरफ कूच कर गया था। रामरतन एक रोज सूरज गुरूब होने के बाद समंदर के किनारे दूर तक फैली हुई एक बस्ती में दाखिल हुआ। ये बस्ती बुद्ध कबाइल के सरदार वांगा की थी और इसके आसपास और चारों तरफ नकामरा कबाइल के उन्हीं लोगों की बस्तियां थीं जो बुद्ध मत के पैरोकार थे। रामरतन का वहां अक्सर आना जाना था, इसलिए बस्ती में से बिला झिझक गुजरते हुए वो एक ऐसे मकान के सामने रुका जो गारे और पत्थर के अलावा लकड़ी का भी बना हुआ था। दरवाजे पर उसने दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाले ने अपने हाथ में छोटी सी मशाल ले रखी थी। इस मशाल की रोशनी में राम रतन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। शायद वो राम रतन को पहले से जानता था। राम रतन ने उसे मुखातिब किया, वांगा घर पर है? दरवाजा खोलने वाले ने असबात में सर हिला दिया, साथ ही आगे बढ़कर उसने घोड़े की बाग पकड़ ली। राम रतन ने फिर उसे मुखातिब किया, मेरे घोड़े को छप्पर तले बांध दो, मैं दीवान खाने में बैठता हूँ। वांगा को मेरे आने की इत्तला करो, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दरवाजा खोलने वाला घोड़े को हवेली की तरफ ले गया था। खुद राम रतन बाएं जानिब मुड़ा और एक सादा से कमरे में दाखिल हुआ। उसे वहां बैठकर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, इसलिए कि नकामरा कबीले के बुद्ध कबाइल का सरदार वांगा उस कमरे में दाखिल हुआ। राम रतन ने अपनी जगह से उठकर उससे बगल गिर हुआ। दोनों जब अपनी नशिस्त पर बैठ गए तो वांगा ने उसे मुखातिब किया, पहले ये कहो कि तुम मकरान से आ रहे हो। रामरतन ने कमरे में जलती हुई छोटी सी मशाल की रोशनी में असबात में जब गर्दन हिलाई तो वांगा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दोबारा बोला, पहले ये बताओ मेरी बेटी गोदेरी कैसी है? रामरतन थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर उसकी आवाज गूंजी, वांगा, मैं ये कहते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा कि तुम्हारी बेटी गोदेरी यहाँ की निस्बत हमारे यहाँ ज्यादा खुश है। वांगा ने उसे मुश्तबा अंदाज में देखा और कहने लगा, रामरतन ये कैसे और क्यों कर मुमकिन है? रामरतन थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा। जल्द ही उसके चेहरे पर संजीदगी फैल गई, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, वांगा, लड़कियां फितरत की दास्तान की जेबाइश होती हैं। माँ बाप के घर में यादों की तंगवादी की सी जिंदगी बसर करती हैं, इसलिए कि उन्हें पता होता है कि उन्हें एक रोज अपने पिया के घर जाना है और वही उनकी जिंदगी की उम्मीदों की मीठी गोद होती है। लड़कियां जब अपने पिया से ब्याही जाती हैं तभी उनके अधूरे ख्वाबों को ताबीरें और बेचेहरा तस्वीरें संगम की सुनहरी रातों में तब्दील होती हैं, और अपनी जिंदगी के इस मकाम को हासिल करने के लिए लड़कियां बचपन से लेकर जवानी के कवारेपन तक बस इसी इंतजार में रहती हैं कि कब ऐसे शख्स की साथी बनूंगी जो उसकी कदर करने वाला हो। रामरतन मजीद कुछ कहना चाहता था कि वांगा ने उसकी बात काट दी। रामरतन, पहेलियां मत बुझाओ, उलझी उलझी बातें मत करो, साफ बताओ क्या मामला है। रामरतन ने एक गहरी निगाह वांगा पर डाली, फिर कहना शुरू किया, वांगा मेरे अजीज, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी बेटी वहाँ एक नौजवान को पसंद करती है, उससे मोहब्बत करने लगी है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? वांगा की गर्दन लम्हा भर के लिए झुक गई थी, फिर उसने रामरतन की तरफ देखा, पहले ये बताओ कि मेरी बेटी ने जिस जवान को पसंद किया है वो है कौन? मकरान में रहते हुए ये फैसला कुन बात है कि उसने किसी मुसलमान ही को पसंद किया है, लेकिन ये बताओ कि वो है कौन? रामरतन ने कहा, फिक्र मत करो, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो मकरान में मुसलमानों के लश्करियों का नायब सालार है, एक इंतहाई बहादुर, दलेर और जस्तजू रखने वाला नौजवान है। तुम्हारी बेटी गोदेरी उसे पसंद करती है, वो भी गोदेरी को चाहता है। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वांगा ने कुछ देर सोचा और फिर बोल पड़ा, रामरतन तेरा कहना दुरुस्त है, अगर मेरी बेटी इस जवान को पसंद करती है, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, तो मुझे कोई एतराज ना होगा, इसलिए कि मैंने अपनी बेटी की खुशी को अपनी खुशी जाना है। पर यह बताओ, जिस जवान को मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर मुंतखब किया है, उसका नाम क्या है? रामरतन कहने लगा, उसका नाम बिनाना बिन हंजला है। वांगा के चेहरे पर खुशियां बिखर गईं, कहने लगा, ये नाम मेरे लिए अजनबी नहीं, मैंने सुना हुआ है,
इसलिए कि बिनाना बिन हंसला का इससे पहले मोमिल के कुछ दस्तों से टकराव भी होता रहा है। इस टकराव में बिनाना बिन हंसला हमेशा कामयाब ही रहा। अगर मेरी बेटी बिनाना बिन हंसला को अपनी जिंदगी का साथी चुन चुकी है तो मैं इस चुनाव और इस पसंद को कबूल करता हूँ। क्या तुम यही पैगाम लेकर मेरे पास आए हो? राम रतन बोला, ऐसी कोई बात नहीं, वो तुमने अपनी बेटी का पूछा तो मैंने तुम पर यह इंकशाफ कर दिया। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुमने अपनी बेटी के चुनाव को कबूल किया। मैं एक और इंतहाई अहम सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। शायद तुम्हें पहले से खबर हो गई हो कि मकरान में मुसलमानों के लश्कर का सालार एक शख्स खरीम बिन उमर है। बिनाना बिन हंजला उसका नायब है। ये खरीम बिन उमर बेकार बैठने वाला नहीं है। तुम्हें ये भी खबर पहुंच चुकी होगी कि मकरान में जो मुसलमानों का हुक्मरान है वो फौत हो चुका है। अब मकरान के मुसलमान किसी नए वाली के मुंतजर हैं। तब तक इन इलाकों में खरीम बिन उमर ही सब कुछ है। वांगा ये खरीम बिन उमर इससे पहले मस्की में नरमेश पर जरब लगा चुका है और उसकी ताकत को कुचल चुका है। कंदाबील में हारिस अलाफी के कुछ लोग जमा हुए थे। उन्हें राजा दाहिर ने भी एक लश्कर मुहैया किया था। मकसद ये था कि मुसलमानों पर हमला किया जाए। राजा दाहिर ने कुछ कासिद मोमिल की तरफ भी भिजवाए कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़ा हो। लेकिन इस खरीम बिन उमर ने कंदाबील शहर के नवाह में हारिस और राजा दाहिर के मुश्तरका लश्कर को शिकस्त दी और उनकी कमर भी तोड़ दी है। अब वो कंदाबील शहर से निकलकर हमला आवर होने के काबिल नहीं रहे। अब खरीम बिन उमर का इरादा है कि ऐसी ही जरब मोमिल पर भी लगाए। यकीनन मोमिल के पास राजा दाहिर की तरफ से पैगाम पहुंच चुका होगा कि वो मुसलमानों पर हमला आवर हो। रामरतन को रुक जाना पड़ा इसलिए कि बीच में वांगा बोल पड़ा। कहने लगा, रामरतन तुम ठीक कहते हो। राजा दाहिर के कासिद मोमिल के पास पहुंच चुके हैं और राजा दाहिर ने मोमिल को अंगेख्त किया है कि वो अपनी घात से निकलकर मुसलमानों की सल्तनत पर हमलावर होते हुए दूर तक तबाही और बर्बादी का खेल खेले। इस सिलसिले में मोमिल ने मुझे भी बुलाया था। मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए मेरी और मोमिल की तवील गुफ्तगू हुई। तय ये पाया कि जो लश्कर मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए निकले उसमें आधे मेरे कबीले के हों और आधे मोमिल के। रामरतन, मुझे बड़ी बेचैनी से मुसलमानों के किसी कासिद का इंतजार था। मैं नहीं चाहता था कि मोमिल के साथ मिलकर मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर हों। दरअसल नेरून का हाकिम सुंदरदास जाती तौर पर मुसलमानों के हक में है। उन्हें पसंद करता है, उनके साथ तावुन रखना चाहता है। इस सिलसिले में सुंदरदास और मेरे दरमियान कासिदों का सिलसिला जारी है और हम एक दूसरे के ख्यालात से तावुन करने वाले हैं। अब तुम आ गए हो तो मैं समझता हूँ कि मेरी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बताओ, मुसलमानों का सालार खरीम बिन उमर मोमिल के साथ क्या करना चाहता है? वांगा, क्या तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? रामरतन ने तेज निगाहों से वांगा की तरफ देखते हुए पूछ लिया। वांगा बदहवास हो गया और कहने लगा, इस वक्त तुम मुझे कहां लेकर जाओगे? इस पर रामरतन बोल पड़ा, मैं तुम्हें गलत जगह नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें खरीम बिन उमर के पास लेकर जाऊंगा। मुस्कुराते हुए रामरतन ने जवाब दिया। रामरतन के इस इंकशाफ पर वांगा की परेशानी में और इजाफा हुआ। पूछने लगा, पहले ये बताओ कि मुसलमानों का सालार आला खरीम बिन उमर इस वक्त है कहाँ? वांगा, परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार न करो। मुसलमानों का सालार खरीम बिन उमर यहाँ से सिर्फ 5 मील पीछे सहरा के अंदर ऊंचे ऊंचे टीलों की घात में अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए है। अगर तुम बुरा ना मानो और तुम्हें जहमत ना हो तो मेरे साथ वहाँ चलो, उसने तुम्हें बुलाया है। वो बड़ी एहतियात से काम ले रहा है। अपने लश्कर के साथ वो यहाँ नहीं आया कि कहीं मोमिल को खबर ना हो जाए और उसके और तुम्हारे ताल्लुकात खराब ना हो। वो चाहता है कि मोमिल से तुम्हारे ताल्लुकात पहले जैसे बरकरार रहें और मोमिल पर जरब भी लगाई जा सके। इसलिए मेरे साथ खरीम बिन उमर के पास चलो, वो तुम्हारे साथ कोई मामला तय करना चाहता है। इसके बाद वो मोमिल पर जरब लगाएगा। वांगा अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं खाने के लिए कहता हूँ। खाना खाने के बाद दोनों यहाँ से कूच करेंगे। इसके साथ ही वांगा बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसके एक मुलाजिम ने उसी कमरे में खाना चुन दिया। दोनों ने मिलकर खाना खाया, फिर अपने घोड़ों पर सवार हुए और सहरा की उस समत हो लिए जहाँ खरीम बिन उमर ने अपने लश्कर के साथ घात लगा रखी थी। वांगा को लेकर रामरतन ऊंचे ऊंचे टीलों के एक सहराई हिस्से में दाखिल हुआ। चांदनी रात गहरी हो रही थी। सहरा उस समय ऐसे लग रहा था जैसे कहकशां के दश्त में ख्वाबों का सा कैफ और अनमोल खजानों का तजस्सुस बिखरा पड़ा हुआ हो। हर सू हर तरफ अंधेरों के सफर से खामोशी, आफाक के असरार से चुप और तखय्युल के नक्शो निगार जैसा सुकूत तारी था। चांदनी रात में वांगा रामरतन के साथ खरीम बिन उमर के लश्कर में दाखिल हुआ। लश्करी अपनी जगह पुरसुकून थे इसलिए कि उनमें से हर कोई रामरतन को पहचानता था। एक जगह रामरतन ने अपने घोड़े को रोका और नीचे उतर गया। उसकी तरफ देखते हुए वांगा भी अपने घोड़े को रोककर उतर गया।
अब उनके सामने खरीम बिन उमर खड़ा था। इस मौके पर राम रतन वांगा के करीब आया और वांगा से कहने लगा, ये जो नौजवान सामने खड़ा है यही खरीम बिन उमर है और मकरान में मुसलमानों के लश्कर का सालार आला है।